मध्य प्रदेश में मानसून के दस्तक देते ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर चंबल संभाग को छोड़ प्रदेश के 32 जिलों में मानसून पहुंच चुका है। इसी बीच मौसम विभाग ने आधे से अधिक हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के 13 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इंदौर उज्जैन समेत 16 जिलों में गरज चमक का अनुमान जताया है। वहीं सोमवार को दिन में प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाए रही थी। राजधानी भोपाल के साथ कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिश भी देखी गई। इधर ग्वालियर में मानसून का इंतजार है। यहां का तापमान 42 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया है। वहीं 25-26 जून को स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव हो रहा, जिससे अगले 5 दिन में मानसून पूरे प्रदेश को कवर कर। मौसम विभाग के अनुसार सबसे आखिरी में ग्वालियर चंबल संभाग में मानसून पहुंचेगा। वही इस बार सामान्य से 106% तक बारिश होने का अनुमान है। जी, आपका नाम? वीएस यादव, मौसम विज्ञानी। वर्तमान में जो एक पश्चिम विक्षोभ अफगानिस्तान के आसपास है, उसके अलावा एक साउथ ईस्ट राजस्थान पे एक साइसर बना हुआ है। साउथ वहाँ से एक द्रोणिका वहाँ बांग्लादेश तक जा रही है मध्य प्रदेश से होती हुई, और एक साउथ गुजरात के ऊपर साइसर बना हुआ है जहाँ से एक द्रोणिका मध्य प्रदेश से होते छत्तीसगढ़ तक जा रही है, जिसके वजह से पूरे प्रदेश में वर्षा की स्थिति बन रही है। इसको देखेंगे अपन तो ये पूरे प्रदेश भर में कहीं हर जगह पे बारिश होने की संभावना है। इसमें अधिक वर्षा जो अलीराजपुर झाबुआ धार वगैरह में जहाँ पे अधिक उम्मीद करी गई है, जहाँ पर हवा की दिशा 40-50 प्रति घंटा रह सकती है। ऐसे ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी पूरी जगह पर बारिश का असर है, जहाँ पर हवा की स्थिति 30-40 प्रति घंटा रह सकती है। इसके बाद 26 तारीख में पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बारिश की स्थिति अच्छी बन रही है, जहाँ पर फिर से कहीं कहीं अधिकतर स्थानों पर जो ब्लू उसमें दिखाया गया डिंडोरी अनूपपुर मंडला बालाघाट बारिश की, उसके छठे उसमें भी कहीं स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। और ये स्थिति बढ़ते हुए ग्वालियर चंबल में जो अभी सूखा है वहाँ पर भी बढ़ जाएगी, और अगले 27 तारीख को देखेंगे ग्वालियर चंबल वगैरह में अच्छी खासी बारिश स्थिति है। लगभग वहाँ पर मानसून के आगमन की भी स्थिति बन सकती है, और लगभग पूरे प्रदेश में 28 तारीख तक अच्छी बारिश है। भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल वगैरह में भी अच्छी। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।